देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित जन की बात मन तक यात्रा को लेकर पुणे से दिल्ली तक की साइकिल यात्रा करने वाला साइकिल यात्री प्रतीक देशडाला शुक्रवार शाम को ब्यावर पहुंचा। इस दौरान प्रतीक के चांगेट पर पहुंचने पर रावत सेना के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा का दुपट्टा पहनाकर तथा पुष्प वर्षा करते हुए जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ता भारत माता के जयकारे तथा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। साइकिल यात्री प्रतीक ने बताया कि पुणे से उसने 27 अगस्त को पुणे से साइकिल यात्रा शुरू की है। प्रतीक ने बताया कि साइकिल यात्रा का उद्देश्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के विकास में जो गंगा बहाई है उसके लिए वे पीएम मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिन के मौके पर दिल्ली पहुंचकर उनका अभिवादन करना है। इस दौरान उन्होंने रावत सेना के पदाधिकारियों का आभार प्रदर्शित किया। साइकिल यात्री प्रतीक का स्वागत करने वालों में कन्हैया लाल बागड़ी, हरि सिंह रावत, पिंटू सिंह काबरा, दाऊ सिंह जवाजा, लोकेंद्र सिंह जवाजा, आकाश रावत, जय सिंह, जीवन सिंह, मनीष सिंह तथा नवीन सिंह आदि शामिल थे। यहाँ पे पधारा हूँ, यहाँ से मैं पुणे से 27 तारीख को निकला हूँ। मेरा संकल्प ये है, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, अपने यशस्वी पंतप्रधान, उनका जन्मदिन 17 तारीख को है और हमारे पिछले 9 साल में जो विकास की यात्रा हुई है, विकास काम हुए हैं, जो विकास की गंगा बही है, उसके अभिवादन के हेतु मैं पुणे से दिल्ली साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और 2024 में उनको वापस लाने के लिए ये सब उनकी योजनाएं घर घर तक पहुँचा रहा हूँ। मैं आज कामली घाटी से ब्यावर आ चुका हूँ। ब्यावर के हमारे नेता महेंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।